नमस्कार, इस वीडियो में हम जानेंगे मातृ स्वास्थ्य सेवाएं क्या होती हैं व कब दी जाती हैं। इस वीडियो की मुख्य किरदार है मीना जी, जिनका अभी हाल ही में सरकारी अस्पताल में प्रसव हुआ है, तथा उनकी सहेली हेमा जी, जिनके विवाह को 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। हेमा मीना से मिलने उसके घर जाती है। नमस्ते मीना, कैसी हो? मैं ठीक हूँ हेमा, और तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। और हमारा नन्ना मुन्ना कैसा है? वो भी अच्छा है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल तुम्हारे ऊपर गया है। अरे देखो कैसे हंस रहा है। वो तो ठीक है इमा, पर तुम बताओ तुम्हारा क्या विचार है? अरे ना बाबा, मुझे तो बहुत डर लगता है। हाँ हेमा, ये तो तुम ठीक कह रही हो। पहले मुझे भी बहुत डर लगता था, पर अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र वाली ANM बहन जी ने मेरा बहुत साथ दिया और सारी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी मुझे पहले ही दे दी थी उन्होंने। पता है हेमा, गर्भ लगने से पहले मैं ANM बहन जी से मिली, उन्होंने तभी मुझे बहुत अच्छे से समझाया और पौष्टिक आहार लेने और रोज एक गोली फोलिक एसिड की खाने की सलाह दी थी, जो होने वाले बच्चे को जन्मजात विकृतियों से बचाती है। उसके बाद आशा दीदी ने मुझे एक निश्चय किट नाम का पैकेट दिया था और समझाया कि इससे मैं घर पर ही गर्भ ठहरने की जांच कर सकती हूँ। और हाँ, गर्भ ठहरते ही मैं तुरंत ANM बहन जी से मिली और उन्होंने मेरा नाम अपने रजिस्टर में दर्ज कर लिया और मुझे एक इंजेक्शन लगाया और बताया यह टीका माँ व होने वाले बच्चे को टिटनेस की बीमारी से बचाता है तथा आगे भी पौष्टिक आहार लेने और गर्भ ठहरने के 3 माह तक रोज एक गोली फोलिक एसिड लेने की सलाह दी थी। सच है माँ, ANM बहन जी ने मुझे बहुत अच्छी तरह से समझाया था, जिससे मेरी सारी शंकाएं और चिंताएं दूर हो गईं। उन्होंने मेरा नाम हरे रंग के एक कार्ड में भी लिखा था, जिसे ममता कार्ड कहते हैं, जिसमें संपूर्ण टीकाकरण सहित गर्भवती महिला और होने वाले बच्चे के लिए बहुत जानकारी थी, जैसे कि टीके कौन से लगवाने हैं, कब लगवाने हैं, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला का वजन कितना बढ़ता है, खान पान कैसा होना चाहिए, अतिरिक्त आराम की क्या आवश्यकता है और दोबारा जांच के लिए आने की तिथि भी लिखी थी। इसके अलावा ANM बहन जी और आशा दीदी ने अपना फोन नंबर भी मुझे दे रखा था, जिससे कोई भी परेशानी होने पर मैं तुरंत उनसे संपर्क कर सकूं। फोन नंबर, उससे क्या फायदा? अरे नहीं हेमा, फोन नंबर से मुझे बहुत फायदा हुआ। इससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ा। परेशानी होने पर या शंका होने पर मैं तुरंत ही उनसे बात कर लेती थी। अरे वाह मीना, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और हाँ हेमा, चौथे माह में ANM बहन जी ने मुझे बहुत सी जानकारी दी, जैसे कि खतरे के लक्षण क्या होते हैं, खतरे के लक्षण होने पर क्या करना है और फोलिक एसिड की गोली को बंद करके आयरन फोलिक एसिड की गोली खाने को दी और साथ में कैल्शियम की गोली भी दी और बताया कि उन्हें कब खाना है, गोली खाते हुए क्या ध्यान रखना है, खून व पेशाब की जांच क्यों करानी है, कब करानी है और खाने पीने में क्या ध्यान रखना है। इसके अलावा उन्होंने मेरी खून की जांच, पेशाब की जांच, HIV की जांच, सिफिलिस की जांच निशुल्क की और आयरन की गोलियां, कैल्शियम की गोलियां और पेट के कीड़े की गोली भी निशुल्क दी। अरे वाह मीना, इतनी सब जांचें और गोलियां निशुल्क मिली, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और हाँ हेमा, बस इतना ही नहीं, 5वें महीने में ANM बहन जी ने मुझे पेट के कीड़े की दवा दी और मैंने उनके सामने ही वो दवा खाई। फिर उन्होंने परिवार नियोजन के कई साधन बताए, जैसे कि गोली, इंजेक्शन, IUCD और ऑपरेशन, ताकि इस प्रसव के बाद मैं पहले से ही तैयार रहूं कि आगे क्या करना है। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि पास के स्वास्थ्य केंद्र पर हर माह की 9 तारीख को
सभी गर्भवती महिलाओं का पूरा चेकअप चिकित्सक द्वारा निशुल्क किया जाता है, जिससे खतरे के लक्षण शीघ्र ही पहचान कर उनका समय पर इलाज किया जा सके। मालूम है, सामने वाली मंजू के खून की ज्यादा ही कमी थी, तो अस्पताल में आयरन सुक्रोज लगाकर उसका निशुल्क इलाज किया गया। और तो और, एएनएम बहन जी ने मेरे और मेरे परिवार के साथ बैठकर प्रसव की पूरी तैयारी कराई, जैसे कि प्रसव कौन से अस्पताल में कराना है, साथ में कौन जाएगा और घर पर कौन रहेगा। इस तरह हेमा, एएनएम बहन जी और आशा दीदी के सहयोग से मेरी 4 से 5 बार जांच हुई। 2 बार डॉक्टर ने चेकअप किया और मेरे 9 महीने कब पूरे हो गए पता ही नहीं चला। दर्द होने पर आशा दीदी ने 104 नंबर पर फोन करके अस्पताल की गाड़ी मंगवाई और गाड़ी में मुझे बिठाकर नजदीकी सरकारी अस्पताल में ले गई और उसके कोई पैसे नहीं लगे तथा मेरी बहन प्रसव सखी के रूप में लेबर रूम में मेरे साथ ही रही, जिससे मुझे बहुत हिम्मत रही। पता है हेमा, आशा दीदी अस्पताल में सबको जानती हैं और वहां के डॉक्टर और नर्स बहन जी ने तुरंत ही मेरा इलाज शुरू कर दिया, जिससे मुझे वहां जरा सी भी परेशानी नहीं हुई। और हाँ हेमा, प्रसव के तुरंत बाद लेबर रूम में ही एएनएम बहन जी की सलाह मानते हुए मैंने PPIUCD भी लगवा ली, जिससे भविष्य में अनचाहा गर्भ ठहरने की मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है और मैं पूरा ध्यान इस नन्हे मुन्ने की परवरिश पर दे सकती हूँ और जब भी बच्चा चाहे उसे हटवा भी सकते हैं और इसका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं है। और ये सब कुछ बिना कुछ पैसे दिए, बल्कि सरकारी अस्पताल में प्रसव करवाने पर राजस्थान सरकार द्वारा हमारे बैंक अकाउंट में 1400 रुपए भी मिलेंगे। कल भी आशा दीदी मुझे और इस नन्हे मुन्ने को देखने वह हमारा चेकअप करने के लिए आई थी और परसों फिर आएंगी। आशा दीदी कह रही थी 1.5 महीने में वो 6 से 7 बार हमारे घर आकर हमारा चेकअप करेंगी और 1.5 महीने के बाद हम एएनएम बहन जी के पास जाकर हमारा चेकअप व नन्हे मुन्ने को टीका लगवाएंगे। अगर हम कुछ भूल जाएं तो ममता कार्ड देखकर याद कर सकते हैं। सच हेमा, एएनएम बहन जी वो आशा दीदी की मदद से मेरा डर तो छूमंतर हो गया है। हाँ मीना, तुमसे बात करके तो मेरी भी हिम्मत बंद गई है। ये लो एएनएम बहन जी वो आशा दीदी का फोन नंबर, इनसे बात कर लो और डर को छूमंतर कर दो। आइए महत्वपूर्ण बिंदु एक बार पुनः दोहराए। गर्भ लगने से पहले पौष्टिक आहार और रोज 1 गोली फोलिक एसिड की खानी है, जो होने वाले बच्चे को जन्मजात बीमारियों से बचाती है। गर्भ लगते ही शीघ्र पंजीयन कर TD का पहला टीका लगाया जाता है, जो माँ व होने वाले बच्चे को फिटनेस की बीमारी से बचाता है। सभी गर्भवती महिलाओं की खून, पेशाब, HIV, सिफिलिस की जांच व आयरन, कैल्शियम, पेट के कीड़े की गोलियां निशुल्क दी जाती हैं। ममता कार्ड में संपूर्ण टीकाकरण सहित गर्भवती महिला और होने वाले बच्चे के लिए बहुत सी जानकारी लिखी होती है, जैसे कि खान पान, अतिरिक्त आराम, वजन, परिवार नियोजन और दोबारा जांच में आने के लिए तिथि आदि। हर महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं का पूरा चेकअप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व अन्य उच्च स्तरीय स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सक द्वारा निशुल्क किया जाता है। गर्भावस्था के दौरान हर गर्भवती महिला की 4 से 5 बार शारीरिक व प्रयोगशाला जांच तथा 1 से 2 बार चिकित्सक द्वारा चेकअप किया जाता है। गर्भवती महिला व उसके परिवार के साथ बैठकर प्रसव की पूरी तैयारी की जाती है, जैसे कि प्रसव कौन से अस्पताल में कराना है, साथ में कौन जाएगा, घर पर कौन रहेगा आदि। प्रसव सखी के रूप में गर्भवती महिला के साथ लेबर रूम में एक नजदीकी रिश्तेदार को रहने की इजाजत है, जिससे उसे वहां जरा सी भी परेशानी नहीं होती है। आशा दीदी 6 से 7 बार माँ व शिशु का उनके घर पर जाकर चेकअप करती हैं, जिससे शुरू में ही बीमारी की जांच कर समय पर रेफर किया जा सके।
स्वस्थ माँ व तंदुरुस्त शिशु होने में आशा, आंगनवाड़ी वर्कर, ANM, LHB, लेबर रूम स्टाफ, लैब टेक्नीशियन व चिकित्सक का महत्वपूर्ण स्थान है। मीना ने तो ये जानकारी हेमा को दे दी। आइए आप और हम भी इस महत्वपूर्ण जानकारी को व सभी सुविधाओं को प्रत्येक गर्भवती माता को दें, जिससे हर माँ स्वस्थ व बच्चा तंदुरुस्त हो।